सबके अपने अपने दावे हैं, सबकी अपनी अपनी तैयारी है, सबका जोश हाई है, लेकिन जनता के मन में आखिर क्या है, जनता का दिल किसके साथ है, वोट से कहां चोट पड़ेगी, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। और यही जानने के लिए, जनता के मन को टटोलने के लिए, किसानों की आवाज बनने के लिए, गरीबों की आवाज को लखनऊ तक पहुंचाने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर तैनात है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश उपचुनाव कारण आखिर क्या है, जनता का मन लेकर हाजिर हूं। मैं मनीषा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उपचुनाव के रण को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। राजनीतिक दलों की ओर से बयानों के सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। हर दल जीत का दावा ठोक रहा है, हर नेता महाविजय का सपना लिए मैदान में उतर चुका है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के सामने लोकसभा की हार का बदला लेने का मौका है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सामने जीत के मोमेंटम को बरकरार रखने की चुनौती। दोनों के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है, तो लेकिन मायावती भी इसी बीच ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में जनता का मन टटोलना बेहद जरूरी है। आखिर जनता किसका विजय तलक कर रही है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तो वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना था, ये आपको आज हम इस खास पेशकश में बताएंगे और दिखाएंगे भी, और नेताओं को खबरदार भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब आपको ये बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि कुल 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं यूपी में जिन पर उपचुनाव होना है। लेकिन कौन कौन सी सीटें हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए, करहल विधानसभा सीट पे है, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर उपचुनाव होगा, इसके अलावा मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो यूपी के किन 10 सीटों पर दंगल देखने को मिलेगा वो आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट आती है, उसमें भी उपचुनाव होगा, तो गाजियाबाद सदर और फूलपुर और इसके अलावा सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव होगा। मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट पर भी उपचुनाव इस बार देखने को मिलेगा, तो मिर्जापुर की मझवा सीट पर भी बेहद रोचक मुकाबला इस बार उम्मीदवारों की ओर से देखने को मिलेगा। अब सवाल बड़ा ये है कि यूपी की आखिर कौन सी सीट क्यों खाली हुई, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। तो सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट को छोड़ा, इसीलिए इस पर चुनाव हो रहे हैं। सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद ने, आपको याद होगा, जिन्होंने मिल्केपुर सीट छोड़ी विधायक की, के अब वहां पर भी विधानसभा चुनाव होंगे। सांसद बनने पर लालजी वर्मा ने अपनी कटहरी विधानसभा सीट को छोड़ दिया, लिहाजा ये सीट खाली हुई, अब इस सीट पर भी चुनाव होंगे। सांसद बनने के बाद जियाउर रहमान बर्क ने भी अपनी कुंदर की सीट छोड़ी, ये सीट भी रिक्त है, इस पर भी चुनाव होंगे। गाजियाबाद सदर सीट सांसद बनने के बाद अतुल गर्ग ने छोड़ी, इससे पहले वो यहीं से विधायक थे, लिहाजा ये सीट खाली है, इस पर भी होगा। चंदन चौहान ने मीरापुर सीट छोड़ी सांसद बनने के बाद। सांसद बनने पर प्रवीण पटेल ने फूलपुर सीट को छोड़ दिया, ये सीट खाली हुई, इस सीट पर भी उपचुनाव होंगे। तो सांसद बनने के बाद विनोद कुमार बिंद ने मझवा सीट को छोड़ना बेहतर समझा, लिहाजा वो सांसद ही के लिए गए। और इरफान सोलंकी की बात करते हैं, तो उनको 7 साल की जेल की सजा हुई, जिसके बाद सीसामऊ सीट जो थी वो खाली हुई, अभी सीट पर भी उपचुनाव होगा। तो ये कुल मिलाकर 10 सीटें हमने आपको बताई कि यहाँ पर क्यों से चुनाव हो रहा है। तो देखिए, ये तो था पूरा सियासी गणित। अब यूपी में किन सीटों पर उपचुनाव होंगे, तो कौन सी सीट क्यों खाली हुई, इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तो आज हमारी टीम अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पहुंची। वैसे तो आजादी के बाद से ही इस सीट पर जाट उम्मीदवारों का जलवा रहा है, बोलबाला रहा है। 1967, 74 और 80 में कांग्रेस की यहां से जीत हुई, 1985 में लोक दल, जबकि 1989 में जनता दल के खाते में ये सीट गई। 1991 में पहली मरतबा यहाँ बीजेपी का खाता खुल पाया, जब चौधरी महेंद्र सिंह को यहां से जीत मिली थी। 1993 में सीट जनता दल के पास चली गई। 1996 की ओर आइएगा, तो तब बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह की बेटी ज्ञानवती को उम्मीदवार यहां से बनाया, और ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग सफल रहा और ज्ञानवती कमल खिलाकर विधानसभा पहुंच गए। जाट उम्मीदवारों की जीत का ट्रेंड 2002 में बसपा ने तोड़ दिया,
जब यहां से प्रमोद गौर जीते, ब्राह्मण दलित समीकरण से बसपा ने परिणाम बदल दिए। हालांकि 2007 में आरएलडी ने ये सीट अपने खाते में डाल ली। 2008 के परिसीमन के बाद खैर सीट सुरक्षित हो गई, लेकिन 2012 के बाद चुनाव में भी आरएलडी की जीत यहां पर बनी रही। इस चुनाव में महज 26,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे अनूप प्रधान ने आखिरकार 2017 में करीब 23 साल बाद कमल खिलाया। जीत का क्रम और मोमेंटम उन्होंने अगले चुनाव में भी जारी रखा। तो अलीगढ़ में किसका गढ़ बनेगा, अब ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा, तय हो पाएगा। लेकिन सियासत में ये पुरानी कहावत है ना कि सत्ता पर बैठाने और गिराने वाला किसान ही होता है, इसलिए इंडिया न्यूज की टीम ने किसानों से खास बातचीत की है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। रण और क्या है जनता का मन, जनता का मन टटोलने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर है और आखिर खेत खलिहान से लेकर सभी लोगों से लोगों का मन टटोल रहे हैं, जानना है कि आखिर अब की बार यहाँ कौन सी पार्टी का खैर में विधायक बनेगा और क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर ये वोट कास्ट करेंगे। ऐसे में जानने के लिए मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर कुछ किसान हैं और देखिए ये खेत अपना जोत रहे थे, इनसे बात करेंगे। ये बताइए, चुनाव आ रहा है, उपचुनाव होना है, ये चुनाव किस ओर जाएगा, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कास्ट करेंगे? ये चुनाव जो गठबंधन की तरफ जाएगा, गठबंधन की तरफ क्यों जाएगा ये, मतलब ये बीजेपी कुछ कारनामे सही नहीं रहे यहाँ पर हमारे क्षेत्र में। जैसे क्या कमियां रही हैं जिसको लेकर और भी लोग हैं मेरे साथ, जानेंगे उनसे। ये बताइए क्या नाम है आपका, चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार, अभी और अब तक अनूप प्रधान यहाँ से विधायक थे, कैसा रहा है उनका कार्यकाल? वो तो एससी में आते हैं, उन्होंने तो एससी के लिए कुछ किया ही नहीं है, अब की बार परिवर्तन होगा, चंद्रशेखर पार्टी थे प्रधानमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे, ये आगे की विचारधारा की बात है। क्या ऐसे मुद्दे हैं, बीजेपी से क्यों नाराजगी है आपको? बीजेपी से हम यूँ नाराज हैं कि बीजेपी से ये ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा रोड टीवी लाइट मोबाइल ये 70 साल के बाद हमने पहली जीवन में पहली बार देखे हैं, ये यही चीज को खत्म करना चाह रहे हैं और ये खुद पैदा चलेंगे, इसलिए अब की बार प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का होना चाहिए। बताइए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्राउंड जीरो पर कार्य कर रही है, इसके अलावा लोगों को आवास दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास है, देश का सरेंडर दिया है, तो ये मुद्दे आ भी नहीं रहेंगे चुनाव? ये 2.5 लाख के 2 पैसों से क्या होता है, जब अधिकारी खत्म हो जाएंगे छोटे लोगों के, जब जनता आप तुम ट्रैक्टर बैठे हो, ये ट्रैक्टर बैठे लायक नहीं हो गए आप, ये जमीन जोतनी पाएगी ये पशु ही जोतेगा। ये बताओ अब की बार जो खेत जोत रहे हो आप, किसका खेत जोत दोगे, कौन सी पार्टी का? ये पार्टी का नहीं है, ये तो खेत है, मगर जो वोट डालोगे उस वोट से किसका खेत जोतोगे? वोट डालेंगे किसका खेत, जब वोट हमारी गलत चली जाएगी तो फिर उसी का ही जोतना पड़ेगा। तो जी चंद्रशेखर का कोई रोल है या ये बता रहे हैं? चंद्रशेखर का रोल अभी तो है ना, पर आगे चुनाव में बता रहे हैं कि प्रक्रिया सही रहेगी आगे जाके, आगे आगामी चुनाव में अभी तो है नहीं है यहाँ पर इतना, पर भीम आर्मी का जोर है, पर वोट बैंक में अभी नहीं है इतना जितना बसपा का है यहाँ पर। आप किसको दोगे? हम देंगे जी बसपा को वोट, मायावती जीत जाएगा, मायावती का कैंडिडेट यहाँ पे, मायावती जीते नहीं जीते पर वोट अपनी बसपा को जाएगी। अच्छा, तो मामला टाइट है एकदम? टाइट है हमारा मामला, बसपा को जाएगा वोट हमारा। धान की पिटाई दाब के चल रही है? धान की पिटाई सही चल रही है यहाँ पे, वोट जो है मायावती को जाएगा। हाँ वोट मायावती जाएगा। बीजेपी को क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी वोट देना पहले दिन आप देंगे हम। वजह क्या है? वजह क्या, जो हमारे अधिकार है उन्हें छुनाई जा रही है, आरक्षण खत्म कर दे रही है, हमारे जो आरक्षण है एससी के लोगों के उन्हें खत्म कर दे रही है, इसलिए वोट नहीं देंगे हम बीजेपी को। तो आपने सुना ये लोगों का अपना व्यू था, उन्होंने कहा है कोई बसपा का समर्थक है तो कोई रावण का समर्थक है, उन्होंने कहा है कि जो अबकी बार वोट है वो सीधे तौर पर बीजेपी को नहीं दिया जाएगा, लोगों में यहाँ नाराजगी देखने को मिल रही है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। बहरहाल कोई बीजेपी के विरोध में है तो कोई बीजेपी के पक्ष में है, रावण का भी अच्छा खासा वर्चस्व देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि वर्चस्व सत्ता की कुर्सी पर बैठा पाएगा या नहीं। अब महिलाओं का क्या मत है, क्या विचार है, महिलाएं किसको विजय बनाएंगी, देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं अलीगढ़ के खैर विधानसभा में हूँ, आप ग्राउंड जीरो पर ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर जंगल की है, खेत की है, और खेत में तमाम महिलाएं धान जो है पीटती हुई नजर आ रही है,
अब महिलाओं से जानेंगे यहाँ का पहले इतिहास थोड़ा सा 20 वर्ष का मैं बता दूं। पहला इतिहास ये है कि यहाँ 2 बार RLD के विधायक रहे और अब दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से अनूप प्रधान यहाँ के विधायक थे। यानी उत्तर प्रदेश में RLD और BJP का गठबंधन है, ऐसे में ये जाट बाल इलाका बोला जाता है। यानी यहाँ पर लगभग 1.25 लाख जाट है और 75,000 करीब यहाँ ब्राह्मण है और 75,000 ही करीब वैश्य हैं। इसके अलावा 30,000 इस विधानसभा पर मुसलमान है। आखिर देखना यह है कि जिस तरीके से ये महिलाएं धान पीट रही हैं और धान पीटने के साथ साथ अब किसके चुनाव में वोट डालने हैं इनको, तो किसकी तरफ किसकी वोट ये ज्यादा से ज्यादा पीटेंगी। बातचीत हम महिलाओं से करेंगे। ये बताइए, चुनाव आ रहा है, वोट डालेंगे आप, किधर वोट जाएगा आपकी बार और क्या मुद्दे रहेंगे, बोलिए ना आप। देखिए और भी महिलाएं बातचीत उन सबसे करेंगे, हम जानेंगे कि आखिर क्या रुख है, किस तरफ ये वोट जाएगा यहाँ का। वोट के साथ साथ जानेंगे ये भी। ये बताइए आंटी जी, धान सही सलामत पिट रहे हैं? हाँ सही सलामत पिट रहे भैया, खूब बढ़िया पिट रहे। मेहनती आदमी है, क्या करे, करेंगे ना तो खाएंगे कहाँ से। और भैया वोट की ऐसी बात, तो हमारे ज्यादा दिखा उसे ही वोट देंगे हम, जो हमको सुविधा करे गरीब आदमी ने की। और गरीब आदमी सुविधा ना करेंगे तो फिर वोट आने गड्ढे में चुटा रहे हम धान की तरह। अब यार वोटों में किसे पीटोगी, किस पार्टी को पीटोगी? अरे बताओ ना कौन है पीटोगी, अब की बार कौन है वोट देगी, क्या मुद्दे रहेंगे, कहा है कहा सर। देखो जब आती की तब जो पड़ जाए तो देगी, चार ओर को जो पड़ जाए देगी उसे हम कुन जाएंगे भाई। महिला तो आदमी के पीछे रहती है ना, जो आदमी देंगे, जो सुपरवा देगा, जो काम देगा, जो सी हम दे देंगे। अम्मा रामाम जी बताओ अम्मा, अब की बार यहाँ अनूप 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 प्रधान यहाँ विधायक है, कैसे विधायक है वो? मेरा जानते बेटा वोट किसे दोगी आप, ये बताओ वोट। देखिए तमाम ये महिलाएं थी, महिलाओं का कहना यही है कि जो अच्छे काम करेगा उसे वोट देंगे। ऐसे में महिलाओं से और भी महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे हम, जानेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका, और जो वोट पड़ रहे हैं अब बार किसको वोट दोगी, क्या मुद्दे होंगे, मतलब क्या विकास कार्यों को लेकर वोट देंगे आप? विकास तो जिसको पूरे जो जिसको जीत होगा उसको पड़ेंगे वोट। का काम चाहते हो, का होना चाहिए? काम ये घर घर जांच कर करके आधार कार्ड बनवा दो, राशन कार्ड बनवा दो, मेहनत मजदूरी के साथ दो, और क्या कहते हैं किसानों के भी साथ दो, उन्हीं को विजयी बनाएंगे। BJP क्या कर रही है इनमें, BJP क्या कर रही है, BJP के लोग कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लेना है? हमारे लिए कुछ भी ना कर रहे हैं भाई, तो ना हमें करके दिखाए भाई, फायदा ना मिल लो। क्या चाहते हो, कौन हो विधायक यहाँ पे? अब जो फायदा करेंगे उनको विधायक बने। मजदूरी कर रही हैं आप? हाँ, हम मजदूर हैं। तो ये तमाम महिलाएं मेरे साथ, महिलाएं बहुत सारी हैं, और देखिए धान की पिटाई जो है वो लगातार चल रही है, और अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में आखिर ये किस प्रत्याशी को वोट के रूप में पीटेंगी, ये देखना जरूर होगा। और बातचीत और भी महिलाएं उनसे करने का प्रयास करेंगे हम। अरे बताइए ना, ये बताओ कौन है वोट देगी अगली बार? अरे वोटर को नंबर तो आन दियो। अरे नंबर तो आए बार, हाँ ये बताओ कौन है वोट देगी? मन करा भैया देंगे ना। कहा मुद्दा करेंगे अब की बार, मुद्दा मतलब कहा विकास करेगो, कहा रहेगो, कहा चाहते हो तुम लोग? दुनिया देगी तो हमें देंगे। बोलो ना, ये बताओ क्या चाहती हो, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, किस पार्टी का? ले जावे और नो कहते हैं खरंजा भरवा, खरंजा तो अभी तक बनाओ ना, द्वार के सामने पानी भरो, खड़ो रहे में मतलब धोखा देता है नेता। हाँ धोखा दे रहे नेता को। और का धोखा दे रहे हैं? अपना काम लिखा के ले आए, वोट नहीं ले आए, जनता में तो बहका बहका के वोट डाल दो और खरंजा बनवाएंगे। तुम्हें काय चीज की जरूरत है? हमारे द्वार के सामने खरंजा होना, पानी नहीं चल रहा हमारा। BJP के नेता कैसे है? कछु ना है। अच्छा ये बताओ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार बात करें, महिला सुरक्षित कहाँ है, पहले सुरक्षित ही आप सुरक्षित? कोई सुरक्षित ना है, सब मेहनती कर रही है, अपने पेट भर रही है। पहले महिलाओं के साथ घटनाएं होती थी, अब तो है कहा वो? पहले BJP ना वोट लेके कुछ भी ना करके दिए। कहा ना करो, कहा चाहते हो? खरंजा करवाने बोले थे, कुछ भी ना करवाए, सब पैसे पेट में ढल लिए उन्होंने। अब जो वोट दोगी वो क्या सोच समझ के दोगी, क्या कैसे दोगी? सब काम के लिए और किस लिए, हर एक काम के बहुत, किसी को लड़की है कुआरी उनको मदद होनी चाहिए, किसी को क्या कहते हैं घर मकान बननी चाहिए, किसी को फूटे पड़े, किसी को खरंजा ना है, वो क्या कहते पानी रुके पड़े, नाली में जा रहे हैं, गड्ढर में गिर रहे बालक बच्चे। BJP तो काम कर रही है लगातार। हाँ कर तो रहे हैं, पर हमारे जैसी नगर हम किसी ने ना करवाए, ना कर रहे ना।
अच्छा अखिलेश यादव कहते हैं कि महिला जो है जो समाजवादी पार्टी के नेताजी अखिलेश यादव जानते हो? हाँ, जानती हूँ। वो कहते हैं कि जो है महिला जो है अब सुरक्षित है, पहले वो पहले सुरक्षित थी, अब सुरक्षित ना है। सुरक्षित खूब है, असुरक्षित कोई करते हैं कोई ना करते हैं। अपने हाथ मेहनत कमाएंगे तो देखो बढ़िया बाबू है और जब हुए और पहले कर रहे हैं और अब वो कर रहे हैं। महिला को तो जिंदगी भर मेहनती को तो करना है। अब आप लोगों की डिमांड क्या है, क्या चाहती हो? हमारी डिमांड दिया है कि देखो हमारे ऐसा कोई होना चाहिए तो वहाँ में हम धूप तापते बच जाए, वहाँ में लगे रहे, हमारे बालक बच्चे सारी के सहारे पले रहे हमें और हथ गए। हाँ, और ऐसे पढ़े लिखे बालक हमारे वो ढक्का खाते रोले बोलो कोई नू ना कर चार पैसा की नौकरी मिल जाए, उन्हें मिल गई तो सही है, ना मिली तो अपने घर बैठे। कौन है, कौन सी पार्टी को विधायक चुनोगी तुम, कौन होना चाहिए? विधायक तो दिया के देखो, विधायक की तो ऐसी बात है, भाजपा को हो, सपा को हो, कांग्रेस को हो, कौन को हो? अब जा बात की तो देखो ऐसी बात है कि अब जा बात है, हमें तो पढ़े लिखे तो नहीं नहाता था ना हम समझ सका था, पर देखो फिर हमारी बीच भाई कहेंगे संजय शर्मा भाई कहा है, बहुत ही बढ़िया भाई, तो बढ़िया आदमी। हाँ, बढ़िया आदमी है, बढ़िया ही भाई, बढ़िया ही कर रहे हैं। अनूप कैसे, अनूप विधायक जो है अनूप, देखो हमने तो उनको चाहिए को ना बताओ देखो और ना हमें पता, पर हमारे संजय शर्मा कर रहे काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ये आपने महिलाओं की बात सुनी, महिलाओं का सिर्फ कहना यही है कि जो विकास करेगा उसको। चलिए महिलाएं किसान और अब बारी है मध्यम वर्गीय लोगों की। इंडिया न्यूज की टीम ने खरीदारी कर रहे कुछ लोगों से बात की, उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा सुनिए। खैर, विधानसभा पर उपचुनाव होना है और इस चुनाव में सभी पार्टियां दमखल के साथ लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के दावे अभी से कर रही है, उधर समाजवादी पार्टी भी अपने जीत के दावे कर रही है। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है और ऐसे में जनता का मूड जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर है, यानी खैर विधानसभा के सब्जी मंडी में लोगों से जानेंगे, बातचीत करेंगे कि अगली बार इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और किस पार्टी का विधायक यहाँ की जनता चुन के भेजेगी। ऐसे में लोगों से बातचीत करेंगे, हम तमाम लोग हैं उनसे जानेंगे। ये बताइए भाई साहब, क्या खरीद रहे हो? हम नारियल पानी खरीद रहे हैं। जी हाँ, क्या स्थिति है यहाँ की चुनाव की? चुनाव की मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ के चुनाव में? ये आपका जो कुछ देखेंगे, मोदी सरकार को लांगे भैया हम तो। अब तक अनूप प्रधान यहाँ से विधायक थे, कैसा काम किया उन्होंने? अनूप प्रधान ने आज बढ़िया काम नहीं किया था। फिर मोदी सरकार को क्यों लाओगे? मोदी सरकार हमारी बढ़िया क्वालिटी है। मोदी बढ़िया कर रहे हैं? क्या बढ़िया कर रहे हैं? गरीब के लिए सब 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 कर रहे हैं। मोदी सही कर रहे हैं, बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। क्या सही कर रहे हैं बताओ ना, क्या सही कर रहे हैं बताओ ना। सब सही कर रहे हैं। अजी हाँ, बीजेपी को दोगे आप? बीजेपी को देंगे वो। वजह क्या है, वजह तो बताओ। वजह सारा गरीब की मदद कर रहे हैं, वजह क्या, सब चीज सुविधा दे रहे हैं, गरीबों को मकान बनवा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सपा वाले कहते हैं कि जो है गुंडा ही बहुत ज्यादा है बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार में कोई गुंडा ही नहीं है, गुंडा ही खत्म हो गई। किन मुद्दों पर चुनाव होगा आप जो चुनाव? चुनाव होगा महंगाई पे, बेरोजगारी पे, डेवलपमेंट पे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे। क्या कोरोना में जो वैक्सीन आई थी उस पे जो मोदी ने 250 करोड़ रुपए लिए थे, उस पे जो मर गए हार्ट अटैक पड़ पड़ के, जवान जवान बच्चे मर रहे हैं, किसानों पे किसान मरा जा रहा है। ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने 250 करोड़ की वैक्सीन, ये 250 करोड़ की वैक्सीन ले ही, हमें हमारे सामने तो कोई वैक्सीन ले ही ना। ये कह रहे हैं महंगाई, महंगाई पर चुनाव होगा। ये कह रहे हैं महंगाई, महंगाई बहुत है। कहाँ पहुंच गई? चलो परचून की दुकान पे, अभी पता चले क्या भाव है महंगाई का, क्या रेट है। बढ़ गई है तो अभी तो बढ़ी है, जब से महंगाई कहाँ बढ़ रही हुई थी। महंगाई नहीं है, गैस का सिलेंडर कितने का है, डीएपी का कट्टा कितने का है, 45 किलो का कट्टा कर दिया ना। ये क्या कह रहे हैं, ये तमाम बातें। तो महंगाई भी है, सस्ताई भी है, गरीबों के लिए भी कुछ कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा सब क्या कर रहा है गरीब के लिए? 5 किलो राशन देके पूरा देश पागल बना रखा है इसने, 5 किलो राशन में राशन देके पागल बना रखे लोग। अब की बात तो आप देखो ना, हमारे लिए तो अच्छा है तो अच्छा ही है, किसी के लिए बुरा। हाँ जी चाचा, चुनाव आने वाला है, खैर में क्या मुद्दे, किसको वोट देंगे, क्या पार्टी? मुद्दे कहा, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी है। क्यों? सब काम बढ़िया है। क्या बढ़िया कर रही है बीजेपी? सारे काम बढ़िया, कौन तो खराब है। ये भी कह रहे थे कि महंगाई, वो तो अपने मन में सब कह रहे हैं, हम अपने मन ही कह रहे हैं, और रोक लोगे कह रहे थे। अनूप प्रधान, अनूप प्रधान कैसा काम किया? अनूप प्रधान बढ़िया किया, मजे आ रहे हैं।
खेती बाड़ी सही चौका चल रही है, सब काम बढ़िया चल रहा है, ये तो अपने अपने सब पे भ्रम है। अच्छा, तो ये युवा भी है मेरे साथ, कुछ उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। हाँ जी गुरु, क्या हाल है तुम्हारे? बस बढ़िया है, आप सुनाओ? ठीक ठाक चल रहा है माहौल? बढ़िया चल रहा है माहौल। किसको वोट देंगे, किसकी सरकार होगी? जो सरकार बढ़िया काम कर रही है उसे वोट देंगे। कौन कर रहा है बढ़िया काम बताओ ना? मोदी सरकार। बोलो। कौन कर रहा है बढ़िया काम? मोदी सरकार करेगी और भी कर रही है पार्टी। अनु प्रधान ने क्या किया था अब तक? हाँ बिल्कुल, क्या बोलने में क्या दिक्कत है? अरे बोलो ना, तुम्हें तो ना मालूम भैया, क्या दिक्कत है? अरे मोदी जी की बात है। कौन है भैया? मोदी जी रहे, मोदी क्यों? मोदी क्यों, मतलब वजह क्या है? वजह बढ़िया बढ़िया चल रही होगा, गड्ढे धोए चले वजह। मामला टाइट है, सब टाइट है, बढ़िया एकदम व्यवस्था बढ़िया है। मोदी एनकाउंटर हो रहे हैं यूपी में, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो बढ़िया है यूपी में, योगी जी है तो। अच्छा अच्छा, और भी लोग हैं, जानेंगे उनसे। चाचा क्या हाल है? ठीक है, मामला सब सही है? बिल्कुल सही है। कहाँ किसकी ओर जा रहा है आपकी और मूड? बीजेपी, बीजेपी जी। बीजेपी को ही दोगे? बिल्कुल बीजेपी को देंगे। वजह क्या है? वजह वजह ये है कि हमें उनका काम पसंद है, योगी जी का। अरे सब क्या कर रहे हैं योगी? सब काम कर रहे हैं, बीजेपी हो जाएंगे, कांग्रेस राहुल को उनके हर काम पसंद है था। अनु प्रधान का कार्यकाल या कई पहले 5 वर्ष रहे फिर दोबारा रहे, तो कैसा रहा उनका? अनु प्रधान का कार्यकाल ठीक रहा, जनता से मिलते रहे हैं वो। हर सप्ताह उनका जनता दर्शन कार्यक्रम होता था यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट में गुंडे ज्यादा है, एनकाउंटर हो रहे हैं। नहीं, गलत बात है था। एनकाउंटर गुंडों के हो रहे हैं, जो बदमाशी कर रहा है। एनकाउंटर क्या आपका हो रहा है या मेरा हो रहा है? और चलिए फिलहाल इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।